हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 पे ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने से पहले आप इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लें, और जब एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो किसी भी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन डायरेक्टली ना देखें, अदरवाइज वीडियो में मज़ा नहीं आएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को पहले खुद से करें और फिर उसको श्योर करने के लिए कि हाँ ये मैंने सही किया है, सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा वो इंट्रोडक्शन जरूर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको इंट्रोडक्शन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन में भी किया है, बट स्टिल इसके दो पार्ट्स करे थे हमने इंट्रोडक्शन में, एक ये पार्ट छूट गया है तो इस पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका फर्स्ट और थर्ड करा चुका हूँ मैं इंट्रोडक्शन में। तो 196 और 38220 का हमें HCF निकालना है। कुछ नहीं करना, बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम करना है ना हमें इसको सॉल्व, तो इसका HCF निकालेंगे। देखो ये बात वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि कुछ बच्चे HCF ना फैक्टराइजेशन करके और फिर जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता देंगे, है ना। जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं ना 196 का, है ना, 29 18 28 16, इस तरह से करके, तो कुछ बच्चे ऐसे HCF निकाल देते हैं। ऐसे नहीं निकालना बेटा HCF, है ना, ये छोटी क्लास में आपको सिखाया गया था। आपको HCF निकालना है कैसे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। कैसे निकालते हैं, बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से 196। तो अब इसको कैसे चलेंगे, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग के थ्री डिजिट्स देखो, तो आप 19 2 38, ठीक है, ये टू टाइम्स चल सकता है बट चलेगा नहीं, क्योंकि 196 टू टाइम्स अगर आप करोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं देगा 392, जो कि नहीं चल पाएगा, तो एक ही बार चल पाएगा, ठीक है। सो कितना 196, सो 12 में से 6 गए 6, 7 और 17 में से 9 गया 8, 2 में से बन गया 186, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 196, अब हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि यार ये 1862 है ना, 1862 कितने टाइम चल सकता है, तो कितने टाइम चला सकते हैं हम इसको, एक लास्ट की डिजिट काट के देख लेते हैं। लगभग 9 टाइम्स चला सकते हैं हम इसको, चेक करो 9 टाइम्स चला सकते हैं, ठीक है, 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स चलाएंगे। समझते हैं ना आप कि आप कैसे कैसे करते हैं हम डिवीजन, हम बेसिकली आइडिया लगाते हैं कि यार 196 का तो टेबल हमें आता नहीं है और 1862 का भी कोई आइडिया नहीं है कि 4 डिजिट है, तो हम लास्ट डिजिट काट के देख लेते हैं कि यार 19 को हम कितनी बार चला सकते हैं 186 पे। तो 19 का टेबल पता होता है ना कि बट 19 10 190 हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 टाइम्स चला सकते हैं, तो इसलिए यहाँ से आइडिया लगता है कि 9 टाइम्स चला सकते हैं। तो 9 टाइम हमने चला, तो 9 6 54 5 9 9 81 और 5 86 then 8 9 9 और 8 17, ठीक है, ये हो गया 12 minus 4 8 15 minus 6 9, ठीक है, ओके। अब ये 980 हो गया। अब हमें फिर समझ में नहीं आ रहा है कि कितने बार चलेंगे, तो हम इसको ऐसे करके देख सकते हैं कितने बार चल सकते हैं 19 को 98 पे कितनी बार चला सकते हैं, 4 टाइम्स, है ना, 5 टाइम्स, है ना, 95, तो 5 टाइम्स चला के देख लो आप, ठीक है, 5 टाइम्स चला के देख लो, तो 5 6 30 3, 5 9 45 और 3 48, कैरी 4, 5 1 5 और 4 9, ओ माई गॉड, ये रिमाइंडर आ गया जीरो, रिमाइंडर आ गया जीरो। सो 38220 को अगर हम सॉल्व करें तो इट इज डिविडेंड, देखो हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में करते क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ओके। सो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर कितना 196 इनटू क्वेशेंट इज 195 प्लस रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया। अब आप दोबारा डिवीजन नहीं करेंगे, है ना, दोबारा से डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है, रिमाइंडर जीरो आ गया, और यही लास्ट स्टेप होगा। और लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है, लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है दैट इज 196, वही क्या होता है, HCF होता है, किसका, वो जो दो नंबर हम लेके चले थे, डिविडेंड और डिवाइजर, जितने भी डिविडेंड और डिवाइजर्स होंगे उन सबका HCF
186 होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो 38220 196, इसका HCF हो गया 196। पहले स्टेप में ही अगर जीरो आ जाता है, बहुत सारे बच्चे ये जान के हैरान होते हैं कि पहले स्टेप में जीरो आ गया, जरूर कुछ गलती होगी, इसलिए फिर से क्वेश्चन चेक करते हैं। तो क्वेश्चन आपको चेक कर लेना चाहिए, बट अपने पे कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले स्टेप में जीरो आ सकता है, ठीक है। सो 196 इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, तो हमने कर लिया। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो इस तरह के क्वेश्चन ना हमने इंट्रोडक्शन में करे हैं, पर वो दो या चार से डिवाइड होने वाले थे, अब इस बार छह से डिवाइड होने वाले हैं, ठीक है। मतलब समझो कि डिवाइड होने वाले से क्या मतलब है, उसने कहा क्वेश्चन को पढ़ते हैं शुरू से, ठीक है। छोड़ो पहले हमने क्या किया उसे छोड़ो, इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो पहले हम कैसे करते थे कि भाई पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेते थे, हम कहते थे भाई पॉजिटिव है ना, इस तरह के क्वेश्चन में कि भाई पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो हैं वो कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, so on, ठीक है। ओके, 6 से डिवाइड करते हैं इनको, ठीक है, 6 से डिवाइड करते हैं नंबर्स को। तो 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 1 को जब डिवाइड करेंगे तो 6 0 टाइम्स 0, ठीक है ना, 1 रिमाइंडर। 6 से डिवाइड करो 3 को तो 0 टाइम्स 0, 3 रिमाइंडर, ठीक है। 6 से अब 5 को डिवाइड कर रहे हैं ना, सारे नंबर्स को 6 से डिवाइड करेंगे, 600 एंड रिमाइंडर 5, ठीक है। उसके बाद 6 से हम लोग क्या कर रहे हैं, 7 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 1 जस्ट 6, ये रिमाइंडर 1। फिर 6 से हम लोग 9 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 1 जस्ट 6, रिमाइंडर 3। और 6 से फिर हम लोगों ने व्हाट वी हैव डन, 9 के बाद 11, ठीक है। तो 6 1 जस्ट 6 और ये 5, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला आपने, कंक्लूजन क्या निकलना है ना। अब आगे और भी नंबर लेना चाहोगे, 13 ले लो, 6 से डिवाइड करो, 6 1 6 2 जब 12 और ये 1 रिमाइंडर। 15 को डिवाइड कर दो, 6 2 जब 12 और 3। 6 से 17 को डिवाइड करेंगे तो 6 2 जब 12 और ये 5। कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो आप, कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो, क्या तो रिमाइंडर 1 बच रहा है या रिमाइंडर 3 बच रहा है या रिमाइंडर 5 बच रहा है, ठीक है। हर 3 नंबर बाद फिर रिमाइंडर 1 आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो यानी कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को, ऑड इंटीजर को अगर आप देखो तो हो क्या रहा है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, अगर आप ऑब्जर्वेशन लिखो, ठीक है, स्टार्टिंग से ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इन टू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इन टू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इन टू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर, चेक कर लो, ठीक है। तो ये तीनों हो गए, लिख दिया, ओके। दूसरी बार ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर एंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। फील कर रहे हो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन ही कर रहे हैं हम ना, बस समअप कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर।
यानी कि आपने क्या देखा, हर तीन के बाद क्या नाम जो है ना, देखो 1 3 5 उसके बाद 7 9 11 उसके बाद 13 15 17 लेकिन हर तीन के बाद फिर रिमाइंडर रिपीट होने शुरू हो गए ना। पहले रिमाइंडर 1 आता है, फिर 3 आता है, 5 आता है, फिर 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको कंक्लूजन कि भाई पॉजिटिव ऑड इंटीजर जितने भी होते हैं ये सब क्या है, 1 7 13 3 9 15 5 11 17 क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होते हैं वो 6 × q है ना, भाई 6 तो सब में सेम है, यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है, 6 × q प्लस 1 फॉर्म में होता है, या फिर 6 × q प्लस 3 फॉर्म में होता है, या फिर 6 × q प्लस 5 फॉर्म में होता है, बस है ना। पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में हो सकता है, यही हम पहले से इंट्रोडक्शन में करते आए हैं और यही हमने यहां पे किया है, ठीक है। थोड़े से कुछ बेसिक स्टेप्स ज्यादा करने पड़ते हैं, बट क्वेश्चन हमारा बहुत तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं और दिखा पाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से मेथड 1 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड ऑल्टरनेटिव मेथड से करेंगे, जो शायद आपकी क्लास में कराया गया होगा उसी मेथड से भी कर लेते हैं। मेथड दोनों सही है, किसी से भी कर दोगे है ना, आपका बिल्कुल आंसर सही है, कोई सॉल्यूशन काट नहीं सकता, ठीक है ना, कोई इस सॉल्यूशन को काट नहीं सकता जो हमने कराया है, कोई सॉल्यूशन को काट नहीं सकता, ठीक है। तो क्योंकि हमने साफ साफ शो किया है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स या तो इस फॉर्म में होते हैं या इस फॉर्म में होते हैं या इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो चलो सेकंड मेथड करके दिखाते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट मेथड 2 की बात करते हैं, इसमें क्या करना है, हम कहते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है ना, तो हम यहां लिख दे रहे हैं इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है ना, इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है, तो हमने तभी बोला ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, इस बात का मतलब हो गया कि हाँ इवन ऑड हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर है ना, दैट मीन्स ए कुड बी इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है। अब ए को जब हमने 6 से डिवाइड करा, ए को जब हमने 6 से डिवाइड करा, यानी कि जब हमने ए को 6 से डिवाइड करा तो क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन आया होगा, ठीक है ना, और कुछ रिमाइंडर आया होगा। ध्यान से देखेंगे, ए को जब हमने 6 से डिवाइड करा तो या तो कुछ क्वेश्चन आया होगा और कुछ रिमाइंडर आया होगा, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो देखिए डिविडेंड क्या हमारा ए है, ए जिस नंबर की हम बात कर रहे थे जो कुछ भी हो सकता है, तो यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो इस फॉर्म के होंगे 6q + r, जिसमें कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा और डिवाइजर से छोटा होगा। तो अब इसका मतलब समझो बेटा, एक बात समझो बहुत ध्यान से, देखो जो चीज मैं इधर साइड लिखता हूं ना वो आपको नीचे लिखनी है। तो a की इक्वल टू 6q + r, जिसमें कि r की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी और डिवाइजर क्या, 6 से छोटी, तो दैट मीन्स r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, r की वैल्यू जीरो हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 नहीं हो सकती, 6 से छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a को अगर हम देखें तो r क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यूज दे सकता है तो a क्या हो सकता है भाई, 6q + 0 भी हो सकता है। आर की वैल्यू हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के देखेंगे है ना, वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ ए 6q + 0 भी हो सकता है। आर की वैल्यू 1 होगी तो ए 6q + 1 भी हो सकता है, ऐसी ए 6q + 2 भी हो सकता है ना, और लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, और ए 6q + 3 भी हो सकता है, और a 6q + 4 भी हो सकता है, और a 6q + 5 भी हो सकता है। 6q + 6 नहीं होगा क्योंकि r की जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा ही होगा, और डिवाइजर क्योंकि 6 है
तो फिर 6 नहीं होगा, 6 से छोटा होगा, ना कि 5 तक होगा। ठीक है, अब एक बात सुनो, इनको देखो, इनमें से 2 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर हैं? ये इनफैक्ट ये भी भाई, इस प्लस 0 है ना, इसका तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है प्लस 0 का। तो ये अंदर की क्वांटिटी कुछ भी है, लेकिन एक बात तो बताओ, इनको 2 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं। देखो ध्यान से, इसको इसको और इसको, ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं ये सारी फॉर्म्स। तो इसका मतलब बची भी फॉर्म कौन से हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होगी? ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म, ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इंप्लाइज, देखो अगेन ये वाला पार्ट उसके भी नीचे लिखना है आपको, है ना भाई? मेरे पास तो नीचे लिखने की जगह नहीं है ना, तो मैं तो ऐसी हिस्से कर करके लिखता हूं। तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, पहले आप ये लिखेंगे, फिर उसके बाद आप उसके नीचे ये लिखेंगे, और उसके बाद नीचे आप फिर तीन ये लिखेंगे, ठीक है ना? तो थोड़ा सा नोट करने के आपको तरीका बता रहा हूं। तो अब क्या लिखेंगे आप कि भैया ये वाली फॉर्म, एरो वाली फॉर्म जो है वो तो 2 से डिवाइड हो जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि भैया ए इक्वल टू 6q+1 या फिर ए इक्वल टू 6q+3 या फिर ए इक्वल टू 6q+5, है ना? इन दीज सिचुएशंस सिचुएशंस ए विल बी ऑड। अरे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन में यही तो लिखा है। आपको क्या शो करना है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए जो फॉर्म आएगी, नंबर की जो फॉर्म आएगी वो या तो इस फॉर्म का होगा, या इस फॉर्म का होगा, या फिर इस फॉर्म का होगा। ठीक है बेटा, तो हमने आपको करके दिखा दिया दोनों तरीके से, जिस भी तरीके से आपको आसान लगे, आपके स्कूल में प्रीफर किया जाता हो, उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ डिवीजन करते समय आपने ये नहीं बताया यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ 6q लिखेंगे और क्या लिखेंगे बेटा? बट 6 से क्यू में मल्टीप्लाई करके 6q तो लिखेंगे। तो ये तो खैर बताने का तरीका था, ठीक है? ओके खैर, वैसे भी इसको लिखते समय इसका कोई मतलब नहीं आया, ठीक है ना? वो तो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन लिखते हैं हम, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखेंगे बहुत आराम से, ये क्वेश्चन वही काजू बर्फी और बादाम बर्फी वाला है, पूरे क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है? वो कह रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। तो पहले बैंड वाले हैं, पीछे फिर आर्मी है, मतलब ये बैंड भी आर्मी का ही बैंड है ना, ऐसी बात नहीं है, हीरा बैंड है, ठीक है? ओके, तो कह रहा है कि भाई बैंड वाले आ गए और पीछे आर्मी वाले, बैंड के 32 मेंबर हैं, आर्मी के 616 मेंबर हैं, ठीक है? ओके, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब क्या है कि जितनी लाइन बैंड की होंगी, ठीक है ना, जितनी लाइन बैंड वालों की होंगी उतनी लाइन आर्मी वालों की होंगी, है ना? सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमें नहीं पता कितनी कॉलम्स हैं ये, कॉलम्स का मतलब लाइन, सिंपल एज दैट। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो मुझे नहीं पता कितनी लाइन्स ये हैं, है ना, कितनी कॉलम्स, जिनको बोल रहे हैं ना कॉलम्स, कॉलम्स का मतलब एक तरह से लाइन्स, ठीक है? तो मुझे नहीं पता कितनी लाइन्स हैं, बट मैंने कह दिया कि भाई एन लाइन्स हैं, सपोज दैट एन नंबर ऑफ लाइन्स हैं, ठीक है? तो भाई हर एक लाइन में बैंड वालों के मेंबर कितने होंगे? लेट्स से एक्स बी द नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स इन ईच, बैंड मेंबर्स इन ईच कॉलम, इन ईच कॉलम या लाइन, ठीक है? और आर्मी वालों की भी सेम नंबर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है? और एक लाइन में आर्मी का कितना मेंबर होगा? तो लेट्स से वाई बी नंबर ऑफ, वाई बी नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स, आर्मी पर्सनल से बोल सकते हैं, इन ईच कॉलम, ठीक है? नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि भाई टोटल लाइन जो है वो एन है, एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, या फिर हम लाइन भी कह सकते हैं ना, ठीक है? तो अब एक बात सुनो, टोटल नंबर ऑफ लाइन एन है और एक लाइन में एक्स मेंबर्स हैं बैंड के, तो 32 की वैल्यू कितनी होगी?
एक लाइन में एक्स मेंबर तो एन लाइन में एन इंटू एक्स। ऐसी आर्मी के टोटल 616 आदमी हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइन एन है और एक लाइन में कितने मेंबर्स हैं? वाई मेंबर्स हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये उसने कहा ना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ, यानी कि हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन। देखो ये एन क्या है? फैक्टर है। एन क्या है? फैक्टर है। और हमें क्या करना है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन निकालनी है, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन का मतलब क्या है? हाईएस्ट फैक्टर। और ये क्योंकि कॉमन है तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। एन क्या है हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एन विल बी द एच सी एफ ऑफ वॉट? 616 एंड 32। बस हमारा क्वेश्चन। देखो एक बात सुनो, इस क्वेश्चन को मैं बताने से पहले आपको ये भी कह सकता था, भाई क्वेश्चन देखो भाई, 616 और 32 का एच सी एफ निकाल दो इस क्वेश्चन में, जैसे कि मोस्ट ऑफ द क्लासेस में होता है, ठीक है? तो उससे फायदा क्या होता, एच सी एफ निकालना तो आपको आता है, फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? कोई नया क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे? तो डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, है ना? ये काजू बर्फी बादाम बर्फी वाला केस में मैंने समझाया था आपको बहुत आराम से। तो एच सी एफ ऑफ 616 और 32 निकालेंगे, तो यूक्लिड्स डिवीजन लगाते हैं। कैसे करेंगे? 32 बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से, ठीक है? बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। तो दिखाते हैं कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। पहले तो वन टाइम चलेगा, ठीक है? सो 2 1 जो 2, लाइक 32, ठीक है? वन टाइम 32 ही आ जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया 9 और ये हो गया 5 में 3 का 2, 29, 296, ठीक है? अब अगर ध्यान से देखो, 32 को 10 टाइम चलाओगे तो 320 आ जाएगा, ठीक है? हम 9 टाइम चलाएंगे तो 9 2 जो 18, 9 3 जो 27 और 1 8, सो 16 में से 8 गए 8, ठीक है? सो कितना हो गया ये? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है? अब रिमाइंडर क्योंकि क्या हुआ, जीरो नहीं आया, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, डिवाइजर और रिमाइंडर को फिर से डिवीजन प्रोसेस में लगाएंगे, ठीक है? क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे वाले नंबर से, ठीक है? 8 4 जा 32, क्या हो जाएगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। बस जैसे ही रिमाइंडर जीरो आया, ये लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में डिवाइजर क्या है? डिवाइजर 8 है। डिवाइजर 8 है तो इसका मतलब क्या हुआ, यही आपका क्या होगा, एच सी एफ होगा। किसका? जितने भी डिविडेंड डिवाइजर इस पूरे स्टेप में थे। तो कितने डिविडेंड डिवाइजर थे? देखो 616 और 32 थे, फिर नेक्स्ट टाइम 32 और 8 भी थे, ठीक है? हालांकि ये हमसे पूछा नहीं गया है ये जानकारी, ये नीचे वाला स्टेप तो हमने फालतू में बता दिया, ठीक? ओके, तो बस इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 8। तो हैंस बाद में लिख देते हैं प्यार से, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी एन इक्वल टू 8, ठीक है? अरे भाई हमने एन बताया था ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या बताई थी हमने? एन बताया था, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एन। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? 8, ठीक है? ओके चलते बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है ना? तो अगेन क्वेश्चन हम पहले कई बार कर चुके हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अच्छा कोई भी क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में कराते हैं तो उसको सिर्फ एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत देखा करो, इट्स अ कॉन्सेप्ट, जो कि तमाम जितने भी आरडी आरएस और जितने भी एक्स्ट्रा बुक्स में क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है ना? तो जब आप उनको करते हैं यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, है ना? तो इसलिए अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है? तो कहते हैं यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। सो बात करते हैं कि भाई लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब लॉजिक क्या है? हम कहते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर का,
कि पॉजिटिव इंटीजर किस किस फॉर्म में होते हैं, फिर हम बात करेंगे कि उनके स्क्वायर्स किस किस फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो एक्स भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एक्स भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और अगर हम लोग क्या करते हैं एक्स को थ्री से डिवाइड करते हैं, एक्स को थ्री से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, यहां पे कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, यहां पे रिमाइंडर बचेगा दैट इज आर। तो यानी कि ये जो x जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की हम बात कर रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर, सिंपल एज दैट। वैसे तो हमने आपको सब कुछ बता रखा है, और नहीं भी पता आपको तो क्लास नाइन्थ का पहला सबसे पहला वीडियो नंबर सिस्टम पे ही है, उसमें आपको ब्रीफली बताया गया है और इस तरीके से बताया गया कि आप नंबर्स कभी नहीं भूलोगे, तो आप देख भी सकते हैं। तो आप देखो कि x अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो x हमेशा किस फॉर्म का होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है बेटा, हमेशा रिमाइंडर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा और डिवाइजर से छोटा होता है, ठीक है। तो इस बात का ये बात क्या कहता है, ये बात क्या कहता है, रिमाइंडर जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए या डिवाइजर से छोटा। तो इसका मतलब क्या है कि आर जीरो या जीरो से बड़ा होगा, डिवाइजर क्या है यहां पे थ्री, इससे छोटा होगा। इट मीन्स कि आर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या तो आर जीरो हो सकता है या वन हो सकता है या टू हो सकता है, आर थ्री नहीं हो सकता कभी भी क्योंकि थ्री से छोटा रहेगा। तो आर के डिफरेंट थ्री वैल्यूज के लिए इट इंप्लाइज क्या कि यानी कि हमेशा जो एक्स होगा वो या तो थ्री क्यू प्लस जीरो की फॉर्म में होगा, या फिर एक्स जो है वो थ्री क्यू प्लस वन की फॉर्म में होगा, या फिर जो है एक्स वो थ्री क्यू प्लस टू की फॉर्म में होगा। यही तीन पॉसिबिलिटीज हैं एक्स के होने की। यानी कि दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो या तो थ्री क्यू प्लस जीरो की फॉर्म में होंगे, थ्री क्यू प्लस वन की फॉर्म में होंगे, थ्री क्यू प्लस टू की फॉर्म में होंगे, है ना। थ्री क्यू प्लस जीरो को हम थ्री क्यू ही लिख सकते हैं, वेयर क्यू जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, क्यू बी एनी इंटीजर, है ना, ये क्यू कैसा भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि एक्स कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दुनिया में इस फॉर्म का होगा। एक बात और भी बता सकते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर इस फॉर्म का होगा, मतलब देखते हैं। आपको कहे सर पांच इस फॉर्म में है, यस, पांच को आप इस वाली फॉर्म में क्यू की वैल्यू आप वन लेके देखो तो थ्री इंटू वन प्लस टू, तो यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर आप इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो, इनमें से किसी भी फॉर्म में क्यू की कोई वैल्यू पुट करोगे तो वो नेचुरल नंबर आपको मिलेगा मिलेगा। अब बात सुनो, कहता है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं उसका स्क्वायर शो करना है कि वो इस फॉर्म का होगा 3m या 3m प्लस 1। तो अगर x इस फॉर्म का होगा तो इट इंप्लाइज x स्क्वायर किस फॉर्म का होगा, 3q का होल स्क्वायर या 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई अगर x इस फॉर्म का होगा तो एक्स स्क्वायर किस फॉर्म का होगा, थ्री क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स कितना हो गया, थ्री थ्री नाइन क्यू स्क्वायर, ये हो गया थ्री थ्री नाइन क्यू स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं ना, वन प्लस टू थ्री सिक्स क्यू, यहां पे नाइन क्यू स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर प्लस टू थ्री सिक्स टू जा ट्वेल्व क्यू, ठीक है, ओके। अगर आप ध्यान से देखो क्या हम इसको थ्री से डिवाइड कर सकते हैं, यस, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन हम थ्री से डिवाइड तो कर सकते हैं ना। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या हम इसको थ्री से डिवाइड कर सकते हैं, देखो थ्री क्यू प्लस थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू प्लस वन, ठीक है, या फिर हम इसको देखते हैं तो थ्री थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन प्लस वन। बहुत ध्यान से देखेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहने का सर ये क्या कर दिया आपने, देखो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, इस लाइन से इधर इधर तो सबको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करा। ये अगर समझ में आ गया तो ये वाली बात लाई बातें भी समझ में आ गई होंगी कि भाई हमने सिर्फ स्क्वायर्स खोले थे, ये हमने स्क्वायर्स खोले थे, ठीक है। देखो इस लाइन से लेफ्ट में भी बात समझ में आ गई होगी कि हमने कुछ नहीं करा, होल स्क्वायर्स के फॉर्मूले लगाए हैं, होल स्क्वायर्स के फॉर्मूले लगाए हैं। उसके बाद क्या करा, उसके बाद कुछ नहीं करा, उसके बाद हमने शो करा कि
अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करने लूँ, 3 कॉमन लेना है मेरे को, तो या तो ये फॉर्म आती है या ये फॉर्म आती है। ये कुछ भी होगा, होगा तो एक नंबर ही ना। देखो क्यू को कुछ भी रखोगे, 2, 3, 4, 5, 10, 8 कुछ भी रखोगे, आएगा तो यहां से कोई नंबर ना, लेट से एम, मुझे नहीं पता, लेट से एम, मुझे नहीं पता। और एम क्या हो सकता है, एम कुड बी एनी इंटीजर, तो हम कह सकते हैं कि लेट से एनी इंटीजर एम, ये जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, एनी इंटीजर एम। तो इसका मतलब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m+1। ये जो वैल्यू है ये भी क्या होगी, क्यू रखने के बाद कुछ भी देगी वैल्यू, कुछ भी, हमें नहीं पता, बट एनी इंटीजर एम, एनी इंटीजर एम, तो यानी कि ये 3m के इक्वल। और ये वैल्यू भाई क्यू की कुछ भी वैल्यू रखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 8 कुछ भी रखोगे, तो यहां से भी कोई वैल्यू, कोई इंटीजर मिलेगा आपको एम। भाई इंटीजर होता है बिना पॉइंट वाले नंबर, तो यहां से कोई बिना पॉइंट वाला नंबर मिलेगा आपको, लेट्स से वो भी एम है, तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में आ गया, 3m+1। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा कि भाई जितने भी दुनिया में पॉजिटिव इंटीजर्स थे वो इस फॉर्म के थे, और उनके जो स्क्वायर्स हैं वो या तो 3m फॉर्म के आ रहे हैं या फिर 3m+1 फॉर्म के आ रहे हैं। तो इट इंप्लाइज कि स्क्वायर्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, इज ऑफ द फॉर्म इधर 3m और 3m+1। ठीक है बेटा, तो ये हमने आपको बता दिया। करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ऑप्शन डी क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बट थोड़ा सा अलग है, बस यहाँ पे क्यूब है ना, वहां स्क्वायर था। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इस फॉर्म में होना चाहिए। तो लेट से सबसे पहले तो हम नंबर की बात कर लें, लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब क्योंकि यहां पे नंबर 9 दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि एक्स को हम लोग 9 से डिवाइड करें, और लेट से ये क्यू और यहां पे 9 क्यू, और ये रिमाइंडर बच के आर, तो एक्स को हम लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर आर की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, दैट इज 9। इट इंप्लाइज आर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं हो सकता आर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें 9 डिफरेंट नंबर्स लिखने पड़ेंगे भाई, आर की 9 डिफरेंट वैल्यू के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम आर इक्वल टू 0 से लेके, और फिर हम एक्स इक्वल टू 9q+8 तक लिखेंगे, यानी कि 9 फॉर्म तो ये हो गई, अभी तो सिर्फ नंबर आया, फिर इसको हमें क्यूब भी करना है, तो यानी कि 9 नंबरों का हमें 9 नंबर्स का क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक कि, मतलब ये जो एक्स के 9 फॉर्म है उन सबका क्यूब करना पड़ेगा, और तब हम इस फॉर्म को चेक करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि यार 9m की फॉर्म अगर लेके आनी है, तो बेसिकली अगर हम लोग 3 की बात करें तो 3, 3 जा 9, 3 जा 27 आ जाता है, तो उसमें से भी हम 9 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि क्योंकि नंबर का क्यूब करना है ना, तो 3 से डिवाइड करने से क्या होगा कि यहाँ पे केसेस भी कम हो जाएंगे, आर की वैल्यू सिर्फ 0, 1, 2 तक ही आएगी। देखो ना, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा कि एक्स इक्वल टू 3q+r और r की वैल्यू 0, 1, 2, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही तरह के नंबर पॉसिबल हैं, दैट मीन्स x की वैल्यू या तो 3q+0 यानी कि 3q, या फिर x इक्वल टू 3q+r की वैल्यू अगर 1 रखेंगे 3q+1, या फिर x की वैल्यू 3q+2, यही 3 तरह के नंबर पॉसिबल हैं, यानी कि अभी जो 9 नंबर के क्यूब करने थे हमें वो तो करने नहीं पड़ेंगे। नाउ अब हम बात करें कि अगर x इन 3 फॉर्म का होगा तो x क्यूब किस फॉर्म का होगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 q³, या फिर एक्स क्यूब किस फॉर्म का होगा, 3q+1 का होल क्यूब करेंगे, कितना होगा ये देखो, 3 3 जा 9 3 जा 27 q³ + 1 + 3a² 3 3 जा 9 3 जा 27 q² +
थ्री ए बी होल, थ्री ए बी स्क्वायर है ना, तो थ्री ए त्रिज्या 9 क्यू, ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि 1। अरे ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया भाई, अब ध्यान से देखो, या फिर तीसरी फॉर्म ये हो सकती थी, इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, दैट इज 3q+2 का होल क्यूब, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 27q³+8, 2 का क्यूब 8, प्लस 3a² b, दैट मीन्स 3 3 9 3 27, 2 जो 54 q² प्लस 3ab² है ना, सो 3 3 जो 9, 4 जो 36 q, ठीक। तो ये हमारे पास, दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कह रहा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से हमें शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन तीनों फॉर्म में से एक का होना चाहिए। हमने कहा भैया कि एक्स भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, एक्स पॉजिटिव इंटीजर, चेक करो ना नेचुरल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर्स, तो एक्स कुड बी एनी नेचुरल नंबर। और अगर हम देखें तो 3 से डिवाइड करने पे एक्स की 3 ही फॉर्म आती है, या तो ये फॉर्म या ये फॉर्म या ये फॉर्म, एक्स 3 ही किस्म का होता है अगर 3 से डिवाइड करें तो, है ना, या तो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, या 3 से डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर छोड़ेगा, या 3 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, ठीक है ना, यही 3 फॉर्म हो सकती हैं एक्स की। अब एक्स की ये 3 फॉर्म हो सकती हैं, तो एक्स क्यूब की ये फॉर्म हो सकती है, तो यानी कि ये बेसिकली हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इन तीनों में से किसी एक फॉर्म का ही होगा। ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर का, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर की, है ना, सेम बात होगी, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर का क्यूब, का क्यूब ऊपर से किसी एक फॉर्म का होगा, किसी एक फॉर्म का होगा। यह बात मैंने हिंदी में इसलिए लिखी कि आपको फील हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। अब अगर इनमें से किसी एक फॉर्म का होगा तो अब देखते हैं कि 9 वाली फॉर्म कैसे लेके आएंगे। ध्यान से देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 9 × 3q³, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 9 × 3q² + q 3q² ध्यान से देखो, 9 यहां पे देखो, मैं इसको किस फॉर्म में लिख रहा हूं, 9 कॉमन लिया मैंने, 3q³ + 3 q² + q + 1, चेक करो, देखो ना, इन तीनों टर्म से 9 कॉमन लिया और प्लस 1 बाहर रख दिया, ठीक है, इसको देखते हैं, 9 कॉमन लिया, 3q³ + 6q² + 4q + 8। अब q दुनिया में कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो ये 3q³ भी तो कोई भी इंटीजर हो सकता है भाई, ध्यान से देखो ना, जैसे जैसे क्यू रखोगे वैसे, यहां कहने का मतलब q किसी भी इंटीजर से हमें कोई भी इंटीजर m मिल सकता है, तो क्या हम इसको 9m लिख सकते हैं भाई, q का कुछ आता पता नहीं, q कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो q कोई भी इंटीजर रखोगे तो यहां पे जो मिलेगा वो भी तो एक इंटीजर होगा ना। तो हमने यहां पे एक बात कही कि वेयर m इज एनी इंटीजर, अब m का भी पता नहीं, लेकिन अगर हम m इज एनी इंटीजर कह रहे हैं तो यहां पे इंटीजर ही आएगा, उसकी जगह हमने m रख दिया। ये q वैल्यू रखो, आप इसको q वैल्यू रखो, q कोई भी इंटीजर रखोगे तो यहां पे कोई भी इंटीजर आएगा, तो यानी कि इसको हम 9m+1 लिख सकते हैं। यहां पे q कोई भी इंटीजर रखोगे आप तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, कोई भी इंटीजर m मिलेगा, तो 9m+8। तो हमने बता दिया कि दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं x, उनके क्यूब या तो 9m फॉर्म के होंगे, या 9m+1 फॉर्म के होंगे, या फिर 9m+8 फॉर्म के होंगे। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। तो बेटा पढ़ते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट।